हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ जब हैरी मेट सेजल के दो दिन और कलेक्शंस के बारे में, वो भी यूएसए के। जो खबर आ रही है उससे आपसे, कलेक्शंस फर्स्ट और सेकेंड डे दोनों एक ही तरह का रहा है। 480K का कलेक्शन रहा, यानी कि 960K हो चुका है, 960K यूएस डॉलर, यानी कि 6 करोड़। यानी कि पहले दिन और दूसरे दिन दोनों दिन 3-3 करोड़ इस फिल्म ने कमाया है। 6 करोड़ दो दिन में कलेक्शन कमाया है, जो कि नॉर्मली मेरे हिसाब से कम है। और क्योंकि शाहरुख खान की जो फिल्म है उनका अलग ही बज़ होता है ओवरसीज मार्केट में, उससे बेहतर कलेक्शंस तो मेरे ख्याल से यूएजीसी सर्किट में हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक कलेक्शंस मेरे ख्याल से ज़्यादा भी नहीं है तो धीमा भी एकदम नहीं है, एक डिसेंट कलेक्शंस मैं ऐसे कह सकता हूँ। आई होप कलेक्शंस फिल्म के धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि कलेक्शंस थोड़ी मतलब फिल्म थोड़ी सी ऐसी है कि जल्द ही लोगों को समझ में नहीं आएगी। और शाहरुख खान ने खुद हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि इस फिल्म को समझने के लिए लोगों को थोड़ा वक्त जाएगा। तो सीधी सी बात है, शाहरुख खान कह रहे तो लोगों को विश्वास होगा ही, मुझे भी विश्वास है। मैं तो आपको रिव्यू तक बता दिया है कि मेरे हिसाब से फिल्म कैसी है। अगर आपने नहीं देखा है रिव्यू तो मैं वीडियोज़ है मेरे, देख सकते हैं वहाँ पर रिव्यूज़ मेरा जब हैरी मेट सेजल के बारे में। फिलहाल कलेक्शन थोड़े से कम है, लेकिन इतने भी बुरे नहीं है। होप ये कलेक्शन संडे तक ज़्यादा अच्छे हो। आप फिलहाल कितने खुश इस कलेक्शन से 6 करोड़ तक के दो दिन के, आप जरूर अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी तरह की वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodkids.com पर विजिट करना ना भूलें। चलिए, बाय बाय।